समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। मध्य प्रदेश में आखिरकार नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद विधायक मोहन यादव को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया। भोपाल में हुई बीजेपी के विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। यादव उज्जैन जिले के उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। इसके अलावा दो डिप्टी सीएम भी होंगे, जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला। जगदीश देवड़ा मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ से विधायक है। वहीं देवड़ा एससी वर्ग से आते हैं, जबकि राजेंद्र शुक्ला रीवा सीट से विधायक हैं और ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे। तोमर मुरैना की दिमनी सीट से विधायक हैं। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद हाल ही में केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद के पद से इस्तीफा भी दिया था। चुनाव जीतने के बाद से ही सभी के मन में यह सवाल था कि राज्य का अगला सीएम कौन होगा। शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतने के बाद से ही लोगों के बीच जा रहे थे, माताओं बहनों से मिल रहे थे। उन्होंने यह भी कहा था कि वे मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। उन्होंने बार बार पार्टी का हर फैसला मानने की बात भी दोहराई थी। इसी बीच विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले भाजपा सांसदों ने इस्तीफा देकर मामले को और रोचक बना दिया था। इसी के साथ माना जाने लगा था कि सीएम पद की रेस में शिवराज सिंह के अलावा कई दिग्गज नेता भी हैं। लेकिन हल्का से पीछे अपने मन से वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती जोरदार ताली बजाए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आज सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।